बाय मेकिंग पब्लिक डेक्लेरेशन, हम सब आपके सामने पब्लिक डेक्लेरेशन ऑफ देयर म्यूचुअल लव, मतलब आपस के प्यार, एक दूसरे के लिए भक्ति श्रद्धा, एक दूसरे के लिए इज्जत, एंड प्रोनाउंसिंग वाउ दे आर प्लेडिंग देयर लाइव्स टुगेदर। नाउ दे आर नॉट लर्न, आई विक्रांत, आई विक्रांत डू टेक यू, टू टेक यू रेबेका, रेबेका टू बी माई लवफुल वेडिड वाइफ, टू टू बी माई लवफुल, अभी ध्यान से सुनो, उसकी तो बात नहीं सुनो, टू बी माई लवफुल, टू बी माई लवफुल वेडिड वाइफ, वेडिड वाइफ टू हैव एंड टू होल्ड, एंड टू होल्ड फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड फॉर बेटर और फॉर वर्स, फॉर बेटर फॉर वर्स, फॉर वर्स, यानी कि खुशहाली हो या खुशहाली ना हो, गमी हो, उसको कहने का मतलब ये है, फॉर रिचर और पुअर, फॉर रिचर और पुअर, तो करोड़पति बन जाए या लखपति बन जाए, मतलब ये है, फॉर रिचर और पुअर, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, इन सिकनेस एंड हेल्थ, नो मैटर, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसिस मे फेस, नो सर्कमस्टांस, नो सर्कमस्टांसिस मे फेस अस, नो सर्कमस्टांसिस मे फेस अस, टू लव, to love and cherish you, to cherish you until, until death parts us, death parts us in accordance with God's holy law, in accordance with God's holy law, in accordance with God's holy law, this is my, this is my Solomon vow, Solomon vow, to the neck patni ko, I Rebecca, I Rebecca do take you, to take you Vikrant Anand, Vikrant Anand to be my lawful wedded husband, to be my lawful wedded husband, शादी के भाई है ना, उसको उसकी तरफ देखते हैं, देखिए उसके रिमेश में मत देखो, ये सिखाना पड़ता है, बच्चे हैं ना, पहली बार हुआ, लास्ट टाइम हुआ, बस उसके बाद नहीं होगा, टू हैव, टू हैव, टू होल्ड, टू होल्ड, होल्ड बनता ऐसा होल्ड है, from this day, from this day forward, forward for better, for better or for worse, or for worse for richer, for richer or poorer, or poorer in sickness, in sickness in health, in health no matter, no matter what circumstances may face us, what circumstances may face us, aap se jaake mila ke bola to love, aap ka yahan pe hai to love, bol to love, to love and honor you, and honor you until death parts us, until death parts us in accordance with, in accordance with, in accordance with God's holy law, God's holy law, परमेश्वर के जो वचन है, लॉ जो है, उसके हिसाब से, कहने का मतलब ये है, and this is my Solomon vow, and this is my Solomon vow, I submit to you, I submit to you, ये देखते हैं, I submit to you, I submit to you to be your wife, to be your wife from today, from today, to be one with you, to be one with you, to be one with you in name of Yeshua Masih, in name of Yeshua, amen, amen. Abhi to the bride and groom, as a reflection of our love for each other, of our love for each other. With my body, with my body, I honor you, I honor you. All that I have, all that I have, I share with you, I share with you. Within the love of God, within love of God, the Father, Father, the Son, Son, and the Holy Spirit, Holy Spirit. Ye panaro usko. तालियां बजाओ अभी, जो इसने बोला ही करेगा, तो कंफर्ट है, ऑनर है, लव है, और ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसके पुत्र, आई गिव यू दिस रिंग, आई गिव यू दिस रिंग एज अ साइन ऑफ अवर मैरिज, एज अ साइन ऑफ अवर मैरिज एंड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर लव, एंड आवर रिफ्लेक्शन एंड आवर लव फॉर ईच अदर विद यू विद इन द लव ऑफ गॉड, within the love of God, the Father, the Father, the Son, the Son, and the Holy Spirit, and the Holy Spirit. अभी हाथ दोनों हाथ मिला लो, now ring the ring. Final thing, we are going to speak the blessings. Pastor Shekhar has already done the blessing, but the blessings जो हम करने हैं ये अपना बाइबल के अंदर लिखा है. Mm-hmm.
जी मैं सबसे पहले मैं आप सभी का मीडिया वालों का आभारी हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और ये कहा गया है कि जो शादी ऊपर से जोड़ा बन के आता है, और मुझे विश्वास है कि रेबेका मेरे लिए बनी हुई थी और हम लोगों की शादी हुई। हम लोगों से ज़्यादा हमारे परिवार खुश हैं और हमारी माँ खुश हैं, हमारे परिवार वाले खुश हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी है कि हम लोगों ने अपना कोई ऐसा फैसला लेके नहीं सोचा कि अपने माँ बाप के दिल को दुखा के कुछ हम लोग शादी करें, लेकिन हमारे माँ बाप लोगों का ब्लेसिंग था और उन लोग साथ में थे, उनका आशीर्वाद था और सब लोगों ने खुशी खुशी हमारी शादी कराया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप पहली बार रेबेका से कैसे मिले? जी रेबेका से मैं एक मीटिंग के दौरान मिला था, और ये भी एक्ट्रेस है और हम लोग एक मूवी भी कर रहे थे मंगेरी लाल बीटेक, और फिर जब हम लोग मिले फिर हम लोग ने बातें किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान सोचता है कि मुझे वैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो मुझसे मेरे जैसा मिलता जुलता हो। तो मेरी बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी मेरा नेचर, मेरा स्वभाव सब मुझे बोलते हैं आईना रिफ्लेक्ट मुझे उसमें नज़र आया, और फिर मैंने उसे मैंने बोला कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है और इससे अच्छी लड़की मुझे लाइफ में कहीं मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने आँख बंद करके मैंने शादी के लिए। हाँ जी, बहुत सारी बातें हैं और ये बहुत इनोसेंट है और बहुत केयरिंग है और बहुत लविंग है, फैमिली का ध्यान देती है, मुझसे कई ज़्यादा वो मेरी मम्मी का ख्याल रखती, मेरी फैमिली का ध्यान देती है, और आज के जनरेशन में उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसके संस्कार जैसे हमारे पुराने हमारी माँ होती थी, माता पिता हमारे जैसे संस्कार हमें सिखाया, वैसे संस्कार को लेकर चल रही है, तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई इसमें। जी आने वाली एक मूवी रिलीज़ हो रही है, भोजपुरी मूवी हमार लव स्टोरी, उसके बाद मंगेरी लाल बीटेक में मूवी कर रहा हूँ, फिर लव इन हेवन, और एक तेलुगु पिक्चर कर रहा हूँ साउथ में, और कुछ बड़ी मूवीज़ कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड में, जो मैं थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट करूँगा। थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने साउथ का एक मूवी किया था, तमिल मूवी, और हिंदी प्रोजेक्ट भी था और इनके साथ में भी है, और आने वाले में तो मेरे कोई प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि अभी मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। इनकी खासियत शादी के बाद एक बार फिर आप दोनों दिखने वाले हैं एक सेट पे, एक पर्दे पे क्या? हाँ डेफिनेटली, हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो अभी आधा कंप्लीट हुआ है और वो बाकी होना है, तो हम लोग दिखने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू। पत्नी विश्वास न करे, पत्नी अगर पति विश्वास न करे तो ये लंबा सफ़र नहीं चलता है। हम उसके लिए यही विश करें कि जिंदगी भर ये लोग साथ में रहे जब तक जिंदगी है, और हमेशा परमेश्वर का और भगवान का इनके ऊपर साया और आशीर्वाद रहे, जिंदगी में खुशियाँ हो इनको। विज्ञान के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी आपके करीबी, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्हें आप काफ़ी मानते भी, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं उसको देता हूं और मैक्सिमम मैं सपोर्ट भी करता हूं उसको। तो अब यही है कि नई ज़िंदगी शुरू की है, तो हमसे जहां एज ए ब्रदर, एल्डर ब्रदर, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, हमेशा मेरा उसके साथ है। बस वो आगे बढ़े, एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं तो ज़िंदगी खुशियों से रहे, बच्चे वगैरह हो उनके जल्दी और खुशहाली हो उनके आंगन में, यही हमारी आशा हो, मतलब भगवान से प्रार्थना ही रहेगी। आपके भाई विकांत ने क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? इंगेजमेंट नहीं, शादी है। देखिए आज के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा हर्टली कॉन्ग्रेट्स करूँगी, मैं इतनी खुश हूँ और इन दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है, और मैं चाहूँगी कि ये जोड़ी हमेशा बनी रहे और बहुत खुश रहे, और बाकी जैसा सर कहते हैं कि जल्दी इनके आंगन में किलकारियाँ गूंजें, सब यही चाहते हैं। और आज देखिए मौसम भी कितना अच्छा है,
कि भगवान भी खुश हैं, बारिश कर रहे हैं, मौसम अच्छा कर दिया है, कि वाकई इनको ब्लेसिंग्स हैं जैसे इसकी। आपको खबर कब पता चला कि इस तरह का फैसला भी कर लेता है? शॉकिंग चीज लग रही है? नहीं नहीं, हमारे लिए शॉकिंग नहीं था, घर वालों के लिए शॉकिंग नहीं होता है। शायद आप लोग को नहीं पता होगा। और फिल्मों की बात करें तो आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? मेरी फिल्म की अभी एक शूटिंग चल रही है जो कि इटली में अभी थोड़ा बहुत हमने पोर्शन किया है, और अभी कुछ दिन बाद इसका न्यूज़ हम आप लोगों को खुद देंगे। दिवाली अलग क्या प्लानिंग है, किस तरह सेलिब्रेट करने वाली है? दिवाली खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के लिए मिठाई बांटना। हालांकि मैं तो ये एक संदेश देना चाहूँगी कि पटाखे और इन सब चीज़ों से दूर रहें, इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो रियली हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।